अधिकतर वैज्ञानिकों की तरह आइजैक न्यूटन ने अपनी आसपास की दुनिया का बड़ी बारीकी से निरीक्षण किया। उनके कुछ निरीक्षण गति से संबंधित भी हैं। समय के साथ इस विषय पर प्राप्त अधिक सहायक सामग्री ने इनके द्वारा किए गए निरीक्षणों को अधिक पुख्ता बनाया और आज ये निरीक्षण न्यूटन के गति के नियमों के रूप में जाने जाते हैं। उनके नियमों ने विश्राम की स्थिति, स्थिर गति, त्वरित गति इत्यादि के बारे में बताया और साथ में ये भी बताया कि किस प्रकार संतुलित और असंतुलित बल गति की इन स्थितियों का कारण बनते हैं। ये नियम का उपयोजन असली वस्तुओं पर होता है और इसी के कारण हम अनेक उपलब्धियों को अच्छी तरीके से पूर्ण कर पाए हैं, जैसे अंतरिक्ष में उपग्रहों को छोड़ना, कारों की दौड़, कैरम इत्यादि। भले ही इनके बारे में हम वाकिफ हो या ना हो, न्यूटन के नियम हमारी हर शारीरिक गतिविधियों में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। गति का पहला नियम गति को गुणात्मक दृष्टि से परिभाषित करता है। दूसरा नियम बल का परिमाणात्मक मापन प्रस्तुत करता है। गति का तीसरा नियम इस बात पर जोर देता है कि बल एकल और अलग थलग नहीं रह सकता है। न्यूटन का पहला नियम जड़त्व का नियम फुट गेन विश्राम की स्थिति में है जब तक कोई बाह्य बल उस पर आघात न करे, जैसे किसी खिलाड़ी के पैरों द्वारा उस पर आघात न हो। इस प्रकार जब तक कोई बाह्य बल उस पर कोई आघात नहीं करता, हमारा फुटबॉल यूं ही पड़ा रहेगा। मेहर कार में सफर कर रहा है और ड्राइवर अचानक से ब्रेक लगाता है, इसके कारण मेहर आगे की ओर फेंका जाता है। जब कार गतिशील होती है तब मिहिर भी गतिशील होता है, पर जब कार में ब्रेक लगते हैं तब मिहिर गति के जड़त्व के कारण आगे की ओर फेंका जाएगा। इसी प्रकार जब रेलवे शुरू होती है तब वो व्यक्ति जो खड़ा है वो पीछे की ओर जाता है। रेलवे में पकड़ने के लिए झूलती हुई मूठ हैंडल्स लगे होते हैं। जब रेलवे चलती है तब वे पीछे की ओर जाते हैं और जब रेलवे रुकती है तब वे आगे की ओर जाते हैं। कार भी सीधे मार्ग पर चलती रहेगी जब तक हम स्टेयरिंग के रूप में बाह्य बल का उपयोग कर उसकी दिशा न बदल दें। तितली की तरह डील डॉल वाले प्राणी आसानी से चलते फिरते हैं, उन्हें बहुत कम प्रतिरोधों का सामना करना पड़ता है। वही दूसरी ओर जहाजों को बहुत अधिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है और उन्हें आवाजाही में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। यथार्थ रूप में कहा जाए तो गति में प्रतिरोध गति की दिशा बदलने के लिए होता है, इसे ही जड़त्व कहा जाता है। कोई वस्तु विश्राम की अवस्था में है तो वो उसी विश्राम की अवस्था में रहेगी। अगर उस पर कार्य करने वाला बाह्य बल शून्य है और किसी गतिशील वस्तु पर शून्य बाह्य बल कार्य कर रहा हो तब वो वस्तु उसी गति में उसी वेग से उसी दिशा में जाती रहेगी। यही न्यूटन का गति का पहला नियम है। आपने रस्साकशी ये खेल अवश्य खेला होगा। जब तक दोनों विपरीत दिशा के गुट समान बल का प्रयोग करते हैं तब तक रस्सी एक स्थान पर रहती है। जब बल असंतुलित हो जाता है तब जिस गुट का बल अधिक होता है वो गुट जीत जाता है। सोचिए, जब किसी वस्तु पर शून्य बल का प्रयोग हो तो क्या होगा? उसमें त्वरण होगा। न्यूटन के गति के दूसरे नियम में इसी त्वरण के संख्यात्मक पूर्व कथन के बारे में कहा गया है। ये किस प्रकार का होता है वो हम आगे आने वाले विभाग में देखेंगे। गति का दूसरा नियम क्रिकेट के खेल में प्लास्टिक के बॉल की अपेक्षा सीजन गेंद फेंकने में हमें अधिक बल का प्रयोग करना होगा, क्योंकि सीजन गेंद की द्रव्यमान प्लास्टिक के गेंद की द्रव्यमान से अधिक है। अगर आपने हाथ को बिना हिलाए इसे पकड़ने की कोशिश की तो शायद ये आपको चोट भी पहुंचा सकता है, पर अगर आपने इस गेंद को पकड़ते समय अपना हाथ उस गेंद के मार्ग अनुसार ले गए तो आपको चोट नहीं लगेगी। टेनिस गेंद को रैकेट से मारा जाता है, जितनी जोर से आप उसे मारोगे वो उतनी ही तेज गति से जाएगा। जितना ज्यादा बल उतना ही अधिक उसका संवेग। संवेग क्रिकेट का गेंद टेनिस के गेंद से अधिक वजनदार होता है। मान लीजिए हमने क्रिकेट गेंद और टेनिस गेंद को समान चाल और वेग से फेंका, तब यह पाया जाता है कि क्रिकेट गेंद को रोकने के लिए अधिक बल का इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि उसकी द्रव्यमान अधिक है और टेनिस गेंद की द्रव्यमान कम होने के कारण उसे रोकने के लिए
कम बल का उपयोग होता है। इसी कारण हम ये कह सकते हैं कि गतिशील वस्तु को रोकने के लिए जितने बल का उपयोग किया जाता है वो उस गतिशील वस्तु की द्रव्यमान से सानुपात में होता है। संवेग रुकावट का प्रतिरोध होता है। संवेग गतिशील वस्तुओं के जड़त्व के रूप में होता है। संवेग को हम गति में द्रव्यमान के रूप से परिभाषित कर सकते हैं। सारे वस्तुओं को द्रव्यमान होता है, इसलिए अगर वस्तु गतिशील है तो इसमें संवेग होता है। उस गति में द्रव्यमान होता है, उस वस्तु का संवेग दो चरों पर निर्भर करता है, कितनी सामग्री गतिशील है और वो सामग्री कितनी गति में गतिशील है। संवेग, द्रव्यमान और वेग इन दो चरों पर निर्भर होता है। समीकरण की भाषा में अगर कहा जाए तो किसी भी वस्तु का संवेग उस वस्तु के द्रव्यमान गुणा उस वस्तु की वेग के बराबर होता है। भौतिक शास्त्र में संवेग के परिमाण के संकेत के रूप में स्मॉल अक्षर वाला P इस्तेमाल होता है। P इज इक्वल टू एम गुणा वी, जहां M का अर्थ वस्तु का द्रव्यमान है और V वेग है। ये समीकरण इस बात को स्पष्ट करता है कि संवेग वस्तु के द्रव्यमान से और वस्तु के वेग से सानुपात में होता है। संवेग की इकाई द्रव्यमान की इकाई गुणा वेग की इकाई होती है। संवेग की SI इकाई किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। अगर हमने क्रिकेट की दो गेंद फेंकी जिनका द्रव्यमान समान है पर जो विभिन्न चाल और गति से फेंकी गई है, ऐसा करने पर हम पाएंगे कि जो गेंद अधिक चाल और वेग से जा रही है उसे रोकने के लिए हमें अधिक बल का उपयोग करना पड़ेगा, और जो गेंद कम चाल और गति से जा रही है उसे रोकने के लिए तुलनात्मक दृष्टि से कम बल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि वो बल जो गतिशील वस्तु को रोकने के लिए लगता है वो वेग के सानुपात में होता है। अतः किसी भी वस्तु की गति का परिमाण उस वस्तु के द्रव्यमान और उस वस्तु के वेग पर निर्भर होता है। संवेग एक सदिश परिमाण है जो वेग की दिशा में होता है। कराटे खेलने वाला खिलाड़ी एक ही झटके में अपने हाथ से टाइल्स का ढेर या बर्फ की सिल्ली तोड़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कराटे खेलने वाला खिलाड़ी इन ढेरों पर अपने हाथों से बहुत अधिक गति से प्रहार करता है। ऐसा करने पर तेज गति वाले हाथ का संवेग बहुत कम समय में एकदम से कम होकर शून्य हो जाता है। जिससे ढेर पर अधिक मात्रा में बल लगता है जो उन ढेरों को तोड़ने के लिए काफी होता है। बंदूक की गोली, बंदूक की गोली का द्रव्यमान बहुत ही कम होता है पर उसका संवेग बहुत ज्यादा होता है क्योंकि उसका वेग बहुत ज्यादा होता है। गति का तीसरा नियम, ब्रेथ स्ट्रोक करने वाला तैराक पानी को पीछे की ओर धकेलता है और पानी उसे आगे की ओर। जब खिलाड़ी किसी ठोस सतह पर ऊंचाई से कूदता है तब वो ऊंचा उछलता है क्योंकि ठोस सतह उसके शरीर के साथ उतना ही अवरोध निर्माण करती है जितना बल खिलाड़ी ने निर्माण किया होता है। पर रेत या फिर किसी अस्थिर सतह के साथ इसके विपरीत घटता है। एक गुब्बारे को फुलाइए और उसे किसी खिलौने वाली नाव के मुंह पर बांध दीजिए। अब ये नाव पानी में छोड़ें। जैसे जैसे गुब्बारे से हवा बाहर आने लगती है नाव के साथ क्या होता है इसका निरीक्षण करें। आपके अनुसार ऐसा क्यों होता होगा? इस प्रकार के परिणामों के निरीक्षण के बाद न्यूटन इस नतीजे पर पहुंचा कि इसके पीछे काम करने वाला प्रकृति का मौलिक नियम अवश्य होगा। बल समान और विपरीत जोड़ियों में काम करता है। जब वस्तु ए वस्तु बी पर बल लगाता है तब बी वस्तु भी ए वस्तु पर समान बल का प्रयोग करती है। ये बल समान परिमाण के होते हैं और विरुद्ध दिशा में होते हैं। यही न्यूटन का गति का तीसरा नियम है। हम धन और ऋण चिन्हों का उपयोग कर बल की दिशा दिखा सकते हैं और इस प्रकार न्यूटन का तीसरा नियम लिखा जा सकता है। माइनस एफ ए बी पर इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए पर, एफ ए ऑन बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ऑन ए। न्यूटन के तीसरे नियम में हमेशा दो वस्तुओं का समावेश होता है और दो विरुद्ध बल जो समान प्रकार के होते हैं। सारांश, हमने गति के नियमों को रोजमर्रा के उदाहरणों के जरिए जाना। आप भी अपने आसपास घटने वाले उन घटनाओं को ढूंढें जो इन नियमों के उदाहरण हो सकती हैं। चुनौती स्वीकार करें। इस स्थिति में क्या हो सकता है? क्या वजन कम करने पर कार आगे जा पाएगी? करने के लिए, एक, गुब्बारे को छोड़ते ही वो किस प्रकार से घूमता है इसका निरीक्षण करें। दो,
बाजार से बनी बनाई खरीदने के बजाय सिरिंज और रबर बैंड की सहायता से बनाएं।